नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यहाँ पर जो सबसे मेन आपकी क्वेरी है कि रेस्टोरेंट का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या एक प्रकार से सही होगा, आपको दूसरों का मिलेगा कि नहीं, और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में कैसा रहेगा, तो इसके विषय में पहले बताते हुए पूरे पाम का एनालाइज यहाँ किया जाएगा। देन आफ्टर लेफ्ट पाम में भी कुछ मेन इंडिकेशंस के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके लाइफ लाइन के फ्लो पे। तो यहाँ लाइफ लाइन में आप देख पाएंगे कि पहले लाइफ लाइन आपकी इंडिपेंडेंट माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली चल रही है। इसका मीनिंग बेसिकली थोड़ा ठीक होता है, कोई इसमें ख़राब भी नहीं है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ दर्शाना चाह रहा हूँ वो है यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन। ये जो प्रोग्रेस लाइन है इसे सबसे बेस्ट लाइन कहा जाता है। इसका मीनिंग ये रहता है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और खुद के प्रयासों से जो उसका ड्रीम या डिज़ायर है वो कंप्लीट करने वाला रहेगा। अब यहाँ से ये रेखा निकल के गुरु से कनेक्टेड हो रही है, इट मीन्स बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के रहेंगे आप और अपना सारा एम्बिशन ड्रीम को पूरा करने में अपने तरफ से जी जान भी लगाएंगे। एक चीज़ इसमें जो मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूँ वो है यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन। ये जितनी भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और खुद के प्रयासों से सबसे ज़्यादा लाभ पाएगा। अब यहाँ पर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको लाइफ में ग्रोथ होगी आपकी या सक्सेस मिलेगा? आंसर निकलेगा नो। जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे लाइफ में उतना ही ग्रोथ और सक्सेस आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो टफेस्ट टाइम लाइफ में रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 32 के लमसम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि उस समय नीचे की ओर भी रेखा आई है और मल्टीपल्स जो है आड़ी रेखाओं ने भी यहाँ पर हल्का हल्का से यहाँ पर काट रखा है। लेकिन अब जो है डरने वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि जब ये नीचे की ओर रेखा आई है 32 के एज के आसपास में, उससे के बाद थोड़ा आगे चल करके आपका यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो खुद का घर बार ये बनने के योगों को व्यक्त करता है और ये तकरीबन यहाँ 34 का एज जो है यहाँ निकल के आ रहा है। इसके बाद अभी आने वाले टाइम में और ज़्यादा देखा जाए तो आपका जो लाइफ लाइन है और ज़्यादा स्मूथ हुआ है और अब जो यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं वो जन्म स्थान से दूर जाने के योगों को यहाँ पर व्यक्त करती है। तो ये जो है बहुत अच्छा यहाँ पर योग सर्वप्रथम आपका देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक रही सपोर्ट सिस्टम की बात, तो देखिए 34 के लमसम के एज तक आप मान के चलिए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 35 प्लस एज के बाद से कितना गहरे यहाँ पर लाइन में सपोर्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है। इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जो बेसिकली दूसरों के द्वारा मिलने वाले सहयोग को इंडिकेट करता है। उसके पहले हल्की हल्की लाइनें हैं जो आपके स्पाउस का यहाँ इंडिकेट करती है, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों का थोड़ा बहुत बताती है, लेकिन जो मेन लाइन है जिसे हम फैमिली लाइन भी कंसिडर की यहाँ पर कर सकते हैं वो यहाँ 35 के एज के बाद यानी नेक्स्ट ईयर से अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम से नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ क्यों आया? एक्चुअली ये सक्सेस से रिलेटेड करता है। अभी तक लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने सक्सेसफुल उतने नहीं हैं, लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे यानी रेस्टोरों का काम शुरू करेंगे लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली दूसरों का सपोर्ट मिलने लगेगा। उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि पैसा आने के बाद सब लोग बदलते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो जो सहयोग है आपको वो भी मिलेगा, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भी मिलेगा और इंडिपेंडेंटली वर्क करके ही ग्रोथ मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस हैं आपके पाम में जो इंडिकेट करते हैं कि खुद का किया हुआ काम से कितना आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट जल्दबाजी हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। पेशेंस लेवल देखा जाए तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पर एनालिसिस करना आपको पसंद नहीं रहेगा, सीधे रिजल्ट के ऊपर आपका फोकस यहाँ रहने वाला है। आपके अंदर एनर्जी स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण जो भी थिंकिंग आपके माइंड में आते हैं उस पर क्विकली एक्शन लेने लगना या उस थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कर देना, ये आपके बेसिकली नेचर में यहाँ रहने वाला है। तो नॉर्मली जब फिंगर इस प्रकार से शॉर्ट होती है तो किसी के अंडर में रह करके अनकम्फर्टेबली वर्क करने के योगों को ये व्यक्त करता है। और जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंटली वर्क करें आपको लाभ अच्छा मिलेगा। यहाँ मैं जो भी आपको बात बता रहा हूँ ये सारे इंडिकेशंस हैं, कोई भी बात यहाँ पर 100% ऐसे सच नहीं है। वो चीज़ आप खुद रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये सच है कि नहीं लाइफ में, तब आप अपने लाइफ में कोई ऐसा बड़ा स्टेप लें। लेकिन जहाँ तक हस्तरेखा के अनुसार पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करके ही ग्रोथ है। और भी जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं, जैसे यहाँ आपका देखें तो ये होता है सबकॉन्शियस जोन, जिसमें गुरु आता है
शुक्र आता है, थंब आता है, ये तीनों जोन सबसे ज़्यादा आपके हाथ में डेवलप है। इसका मतलब कि आप अपने आप को जानते हैं, पहचानते हैं, अपनी शक्ति को और अपनी कमियों को बखूबी समझते हैं। तो ये सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के हाथ में इस प्रकार के योग देखने को मिलते हैं। और सबसे बिगेस्ट जो रीज़न है इंडिपेंडेंटली वर्क करने का, वो है आपका माइंड लाइन। आपका माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, इट मीन्स आपके अंदर जिद्दीपन ज़्यादा है, हठीपन ज़्यादा है। जो एक बार ठान लिया सो करके दिखाना है, चाहे लाख कोई अब कह ले, आप टस से मस नहीं होंगे। इट मीन्स सुनेंगे सबकी लेकिन करना सिर्फ मन की है। तो ये जो जिद है, यही तो सबसे बड़ी ताकत है आपका। और ख़ासकर जब इस प्रकार की युति बनती है, तो आप जैसे लोगों को किसी के अंडर में रहना पसंद ही नहीं होता है, और किसी के बेसिकली यहाँ पर आप किसी से भी दब करके नहीं रह सकते हैं, ये कहने का यहाँ सबसे मेन तात्पर्य है। और जो भी यहाँ पर फेट लाइन है, वो भी इंडिकेशंस क्या दे रही हैं उसके विषय में मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगेन आपका 70-80% इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ के चांसेस हैं। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर के जो आपने अपना ड्रीम क्रिएट किया है, ये बिल्कुल इसके ऊपर आँख मूंद करके कदम रखिए, कोई इससे नुकसान नहीं रहने वाला रहेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको रहने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ पर आते हैं, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी यहाँ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन में बात को रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय स्टार्टिंग में हिचकिचाहट या घबराहट महसूस करना, अदरवाइज कोई बिग इशू यहाँ पर ये नहीं है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पर आपका रहने वाला रहेगा। फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो एक इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है। और फिंगर के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, तो इस कारण से हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने के सक्षम रहेंगे, और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध ठीक रहेंगे। थर्ड फिंगर बेसिकली क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, तो कुछ ना कुछ आर्ट या क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगा, और खर्चीलापन भी थोड़ा ज़्यादा आपके अंदर रहने वाला रहेगा। थंब के साइज़ के विषय में आते हैं, तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त यानी मजबूत है, तो जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो लोगों के सामने निखर के आएगा। फर्स्ट फेलेंच की लेंथ अच्छी है, उभरा हुआ भी है फर्स्ट फेलेंच, तो अपने इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बातों को बहुत जल्दी दूसरों के सामने प्रदर्शित कर देने वाले भी आप रहेंगे। यहाँ देखें तो फर्स्ट फेलेंच की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आपका विल पावर स्ट्रांग रहने वाला रहेगा। यव का साइन धार्मिक रहने के योगों के लिए बेस्ट माना जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यव साइन है तो धार्मिक क्रियाकलापों, मेडिटेशन, योगा, इन सब से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के योग हैं। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस ये लाइफ में आपके बढ़ेगा। तो डेली बेसिस पे अगर आप पूजा करेंगे, धर्म यहाँ धर्म कर्म का कार्य करेंगे, तो आपकी लाइफ में सडन बहुत बेस्ट चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहाँ की आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक है, तो जो आपकी क्वेरी थी कि अमीर बन पाऊँगा कि नहीं, तो बिल्कुल आप अमीर बनेंगे। और ये जो अमीर बनने का योग भी है, अभी मैं बताता हूँ थोड़े टाइम में कब है। बाकी आते हैं पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपका लंबाई में ज़्यादा है, तो बैठे बैठे अधिक कार्य करने की क्षमता आपके अंदर रहेगी, यानी ओवरऑल मल्टीटास्किंग नेचर रहेगा, जिसके कारण मल्टीपल जो काम या टास्क है उसको बड़े आसानी से आप जो है बैठे बैठे एक जगह पर कर सकते हैं। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन ठीक डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा या ऊर्जा ठीक रहती है। थिंकिंग जोन भी ठीक है, एक्शन जोन भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो जो भी सोचेंगे उसको करके दिखाएंगे, इस प्रकार की युति ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो आपका नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप है, जो अगेन इंडिकेट करता है कि जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली वर्क करे या मन का सुन करके कार्य करे, उतना लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र शासित हाथ है, जो बेसिकली हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा के योगों को व्यक्त करता है। जब इस प्रकार का हाथ देखने को मिलता है, तो जीवन में नॉर्मली किसी चीज़ की ऐसी कमी नहीं होती है। तो ये अपने आप में शुभ चिन्ह है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि ये प्रोग्रेस लाइन तो पहुँची है, जो एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। माइंड लाइन भी यहाँ से निकला है, जो इंडिकेट करता है कि हमेशा नॉलेज गेन करते रहेंगे और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु माउंट पर सबसे बेस्ट आपका जो साइन है, वो है आपका स्क्वायर का साइन। यहाँ आप देख पा रहे हो, क्योंकि जब ये स्क्वायर का साइन होता है, तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत अच्छे होते हैं। मैरिज के बाद लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। बच्चे संस्कारी देखने को मिलेंगे आपको, या देखने को मतलब संस्कारी रहेंगे ही। और ओवरऑल ये धन, सुख सुविधाओं के माध्यम से बहुत शुभ योग माना जाता है, तो इसीलिए बहुत बेहतरीन आपका गुरु यहाँ डेवलप्ड है। और
जितना हो सके अगेन धर्म कर्म का कार्य करिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर जो है आपको धार्मिक भी बनाएगा और धर्म के कार्य से आपको लाभ भी जीवन में अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बेस्ट यहाँ पर साइन है, जिसके कारण प्रॉपर्टी अभी और ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। दूसरी बात करें यहाँ सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, और यहाँ जो फेट लाइन है आपका उस पर मेनली फोकस करिए आप। यहाँ फेट लाइन शुक्र से स्टार्ट होते हुए यहाँ आपके चंद्र के क्षेत्र से जुड़ा है। चंद्र की जब रेखा फेट लाइन से जुड़ती है तो जन्म स्थान पर प्रोग्रेस मिलता ही नहीं है, जन्म स्थान से दूर जाना ही पड़ता है, तब जाके भाग्य उन्नति होती है। वहीं फॉरेन से कनेक्शन या फॉरेन कंपनी से भी लाभ के आसार अच्छे बनते हैं। जीवन में किसी पर्सन के आने के बाद सुख सुविधाएं, ग्रोथ या इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि लव मैरिज के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट है, क्योंकि यहाँ से ये रेखा जोड़ करके थोड़ा बहुत लहरदार जरूर है लेकिन सीधे सैटर्न तक पहुँचा, जो लव मैरिज के चांसेस को एकदम प्योर इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ बात करें तो आपकी मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली बहुत सक्सेसफुल, एकदम स्मूथ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ गुरु भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। और फेट लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर फेट लाइन आपका थोड़ा रुक रुक करके चल रहा है, और ये जो उम्र है ये अप्रोक्सीमेटली 26 का एज है। देन इसके बाद इसने फ्लो बहुत अच्छा पकड़ा है, और फिर उसके बीच में भी राहु रेखाओं यहाँ पर काट काट के गई है, 28 अप्रोक्सीमेटली 30-32, मतलब निरंतर कुछ ना कुछ बाधा अड़चन फेट में या धन को लेकर के आया ही है। उसके बाद यानी तकरीबन 34 के एज के बाद ये देखिए कितनी स्मूथ और प्रोग्रेसिव लाइन एकदम हो गई है, जो सैटर्न तक पहुंची है, शनि तक भाग्य रेखा पहुंचती है। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, जो भी चाहेंगे अपने जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है। इट मीन्स आप अपने लाइफ में फुली सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। तो जो भी कष्ट था, जितनी परेशानी थी, सब तकरीबन 80% तक निकल चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन से भी यही इंडिकेट हो रहा है और फेट लाइन से भी। अब आने वाले टाइम में देखिए आपकी डबल लाइन स्टार्ट हो गई है, ये एक और आपकी भाग्य रेखा है जो आपको डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। वहीं शनि पर भी एक से अत्यधिक रेखा डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को बताता है, और ये भी इंडिकेट करता है आप एक समय पर मल्टीटास्किंग नेचर रखने वाले इंसान हैं। स्क्वायर का साइन है सैटर्न माउंट पे, तो ये प्रोटेक्शन करता है, एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से बचाता है। हालांकि यहाँ की आड़ी रेखा शनि वाले होती है, जो भाग्य में थोड़ी कमी करती है, रुकावट लाती है, देरी के साथ काम बनता है, तो शनि के यहाँ पर आपको उपाय करने रहेंगे, अदरवाइज कोई यहाँ पर बिग इशू ट्रबल नहीं आएगा। सूर्य की बात की जाए तो ये क्षेत्र डेवलप ठीक है, और यहाँ सूर्य रेखा आपके हृदय रेखा के ऊपर से गई हुई है, मल्टीपल्स छोटी छोटी माइनर सी लाइन काट के गई है, जिसके कारण पिता के सुखों में कमी देखने को मिलता है या अनबन मतभेद बाधा पिता या उनके समान लोगों से देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो यही है कि यहाँ जो सन लाइन है वो स्ट्रगल तो इंडिकेट करती है, लेकिन अंततः जाके जो ये बायफोर को हो रही है इतनी सारी रेखाएं, तो ये सक्सेसफुल योगों को इंडिकेट करता है, और सन ही कारक है नेम फेम रिस्पेक्ट का, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो अभी जो है चल रहा है स्ट्रगल, तो मिनिमम 2-3 ईयर और वेट करिए, आपको बहुत बेहतरीन सपोर्ट घर वालों से भी मिलेगा, और जो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की तलाश भी कर रहे हैं वो भी मिलने के योग पूरे हैं। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, तो इस कारण से बोलचाल की कला आपके अंदर अच्छी रहेगी, और एक से अत्यधिक रेखा सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, तो हमेशा दूसरों के सपोर्ट में आप रेडी भी रहेंगे, अपने बातों से आचरण से हमेशा दूसरों को अच्छा प्रभावित रखेंगे, अपने और आकर्षित या फिर लोगों को बांधे रखने की क्षमता अच्छी है। और बात करें यहाँ पर मरकरी लाइन्स की, तो वो भी डेवलप होकर के चल रही है, व्यापार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपके व्यापार में क्लाइंट्स नहीं रहेंगे, आपके व्यापार में रिश्ते बनने वाले रहेंगे लोगों से, तो ये बहुत बेस्ट योगा है व्यापार के लिए, और बिल्कुल आपको लाभ अच्छा इसमें मिलेगा, क्योंकि चंद्र का क्षेत्र वैसे भी ठीक अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ से भाग्य रेखा भी निकली है, तो रेस्टोरों के काम से, खान पान के काम से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर हार्ट लाइन की, तो यहाँ हार्ट लाइन आपके सीधे गुरु से कनेक्टेड है, जो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल नेचर के रहेंगे, आप किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, और एक्सपेक्टेशंस दूसरों से थोड़ा जल्दी आपका लग जाता है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी ओवरऑल बहुत ज़्यादा दिल के यहाँ पर आप साफ रहने वाले रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पर आते हैं माइंड लाइन पे, तो जो मैं माइंड लाइन की बात कर रहा था आपसे, जब माइंड लाइन एकदम प्योर इंडिपेंडेंट चलती है लाइफ लाइन से, तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली आपको बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली है कि जो काम करना है करिए, जैसा रहना है रहिए, तो ऐसा कुछ भी दबाव जैसा कुछ रहा नहीं है लाइफ में, तो यही रीज़न है कि थोड़ा ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा है, यानी जो ठानेंगे सो
करके ही दिखाएंगे लाइफ में ऐसा है। तो ये जो है माइंड लाइन को कंपेरेटिवली बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये माइंड लाइन आपका स्ट्रेट जा रहा है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। मेमोरी शार्प रहेगी आपकी, तो पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में भी सक्षम रहेंगे और ओवरऑल अब जो है निरंतर ग्रोथ अपने लाइफ में करते भी जाएंगे। यहाँ पर आपके माइंड लाइन के ऊपर से रेखाएं भी खूब अच्छी खासी निकली हुई है यहाँ पे, और ये जो अंत में बायफोर्क भी हुआ है ये भी क्लेवर मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से ओवरऑल जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है बिजनेस को लेकर के। और यहाँ पर भी आप देख पाएं अपने सन माउंट के नीचे ही, तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो खुद के प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, और जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टी बनने के चांसेस आपके ब्राइट हैं। और बात करें यहाँ पर लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो आगे चल करके थोड़ा बाहर की ओर झुका है, तो जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट के चांसेस अच्छे, लेकिन फेट लाइन जो वापस शुक्र के साथ जुड़ गई है, तो फैमिली से ज़्यादा दूर फिर आप नहीं रह पाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर एज जो है उम्र आपकी 80 क्रॉस देखने को मिल रहा है, और जो सपोर्टिव लाइन्स भी हैं वो भी बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है, तो अब जो है आने वाले टाइम में सहयोग दूसरों का अच्छा मिलेगा। अंदरूनी मंगल वहीं बाहरी मंगल दोनों विकसित कुल मिलाकर के ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं है ये, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों आपके अंदर ठीक रहने वाला है। और शुक्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, तो ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है, हर प्रकार का अपने जीवन में आप शौक अरमान पूरे कर पाएंगे, अच्छा रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, खुद के शौक अरमान करना ही, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों के भी कर देना, तो खर्चों पे इस कारण से ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, ये सारा सुख आप अपने जीवन में उठाएंगे, पूरी लग्जरियस लाइफ है। तो बस कुछ टाइम और वेट करिए, बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट यहाँ से भी देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखाएं हैं धीरे धीरे थोड़ी धुंधली भी हो रही है, जो कि अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है, तो अब धीरे धीरे जो फैमिली के दुख हैं या जो ट्रबल्स महसूस होते हैं वो भी अब ख़त्म हो जाने के चांसेस पूरे के पूरे यहाँ अवेलेबल है। बात किया जाए केतु का, तो केतु माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर भी देखें आप तो एक प्रकार से फिश साइन देखने को मिलेगा, जो अगेन सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके लिए धार्मिक रहना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ चंद्र का क्षेत्र विस्तृत यहाँ पर विकसित ठीक है, और यहाँ से एक आड़ी रेखा निकल के नीचे भी जा रही है, तो किसी चीज़ का एडिक्शन भी रह सकता है, तो अगर एडिक्शन ख़राब है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें। बाकी यहाँ पर देखेंगे आप तो मल्टीपल्स हल्की हल्की सी रेखाएं निकल रही हैं, ये व्यापार में लाभ देगी और स्वास्थ्य में भी सुधार इस कारण से आपको देखने को मिलेगा। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंगली प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन यस इन फ्यूचर ये डेवलप होता है तो पैसा फिर अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और सन लाइन्स भी डेवलप हो रही हैं, जो खुद के द्वारा अर्जित किए गए नेम फेम को यहाँ मेनली इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल अब जो पाम लाइन्स है आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा स्मूथ अब चल रही है, और लेफ्ट पाम पे जो मैं आपको मेन इंडिकेशन एक जो दिखाना चाह रहा था वो है ये यहाँ पर स्क्वायर का साइन। जब सन माउंट पे स्क्वायर का साइन होता है तो ये प्रॉपर्टी ही नहीं बल्कि साम्राज्य युग का निर्माण करता है, जिसके कारण आप दूसरों को आगे चल करके एम्प्लॉयमेंट भी देने वाले रहेंगे, इतना प्रोग्रेस आप अपने लाइफ में करने वाले हैं। तो कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करें और धार्मिक रहें, और साथ ही साथ जो सैटर्न का मैं यहाँ रेमेडी दूंगा उसको आप करिए इत्मीनान से, तो उस कारण से फिर भाग्य में जो मजबूती है वो भी देखने को मिलेगा, और नॉनवेज और ये ड्रिंक वगैरह इन सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परहेज आपको करना रहेगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।